अच्छा, तो इसमें अभी हम सबसे पहले देख रहे हैं कि जो हमारा कोर्स का इंट्रोडक्शन है, थोड़ा सा उसके बारे में आपको बताया जाए कि ये डिप्लोमा क्या होता है, ऑफिस ऑटोमेशन क्या होता है, एडवांस सीआईटी कोर्स क्या होता है, और इसके अंदर आगे चल के कंप्यूटर्स के बारे में भी हमें डिस्कस करना है मुख्तलिफ चीज़ों को। सबसे पहले देखें, जो लोग डिप्लोमा कर रहे होते हैं इसके अंदर, जिनको तकरीबन 15 to 18 months लग रहे होते हैं कम्प्लीट करने में, तो डिप्लोमा जो प्रोग्राम होता है वो इस तरह का एक प्रोग्राम होता है कि देखें, किसी भी टेक्नोलॉजी को बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं। अब वो जो काम कर रहे हैं उसको मार्केट में एजुकेशन फील्ड के अंदर दो तरह से देखा जाता है, एक है स्किल्ड और एक है डिग्री। स्किल्ड और डिग्री में फर्क है। स्किल्ड आदमी वो है जिसने कहीं काम सीखा, या वो खुद से सीखा, या किसी से सीखा और सीखने के बाद वो अपने काम में एक्सपर्ट हो गया। जैसे कोई कारपेंटर है, जैसे कोई मैकेनिक है, जैसे कोई इलेक्ट्रिशियन है, लेकिन उसने इसको पढ़ा नहीं। पढ़ने से मतलब ये है कि एजुकेशन फील्ड में वो गया नहीं और उसने उसके बारे में कोई तालीम या कोई सनद हासिल नहीं की। तो वो काम का तो माहिर है, लेकिन वो अपनी उस हुनर को चूंकि पढ़ा नहीं उसने और उसके पास कोई सनद नहीं है, तो कहीं भी इंटरनेशनल मार्केट में या नेशनल मार्केट में कहीं जॉब करने के लिए वो एप्लीकेबल नहीं हो सकता। और अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पे उसको कहीं कोई जॉब पे रख भी ले, तो वो जॉब के अंदर आगे नहीं बढ़ सकता, मतलब मैनेजर लेवल तक नहीं जा सकता, वो मैकेनिक का मैकेनिक ही रहेगा। सही है। अब यहाँ पर बात आती है कि फिर इंडस्ट्री में दो तरह की डिग्रीज को इंट्रोड्यूस कराया गया, एक प्रैक्टिकल अप्रोच और दूसरी है जिसको हम कहते हैं, जो रेगुलर हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन। देखिए, जब इंटर आप करते हैं तो यहाँ पर आपको डिसाइड करना होता है कि आपको कौन सी फील्ड में जाना है। कॉमर्स की फील्ड में जाना है, इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना है, मेडिकल की फील्ड में जाना है, आर्ट्स की फील्ड में जाना है, और आप कंप्यूटर की फील्ड है तो वहाँ पर जाना है। तो इंजीनियरिंग और कंप्यूटर की फील्ड दोनों एक दूसरे से जो है ना तकरीबन रिलेट है, जबकि मेडिकल की फील्ड बिल्कुल डिफरेंट है और कॉमर्स की फील्ड रिलेट करती है 50%। ठीक है। अब यहाँ पर किसी ने डिसाइड ही नहीं किया, मतलब उसने इंटर किया या नहीं किया, हम यूँ लेते हैं, और वो शख्स जो है वो एक किस्म का कोई मैकेनिक बन जाता है। अगर हम एक मिसाल लें मैकेनिक की, तो मैकेनिक को हटा के हम चले जाते हैं कंप्यूटर की तरफ, क्योंकि हम कंप्यूटर के कोर्सेज कर रहे हैं। कंप्यूटर पे काम करने वाले भी कंप्यूटर के भी मैकेनिक होते हैं, कंप्यूटर के भी मिस्त्री होते हैं, लेकिन कंप्यूटर एक ऐसी फील्ड है जिसमें बहुत सारे शोबे हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर, ग्राफिक डिजाइनर, वेब डिजाइनर, कंप्यूटर को बनाने वाले, कंप्यूटर के मैकेनिक्स, रिपेयरर्स, हार्डवेयर मेंटेनेंस करना, ये सारी चीज़ें, सॉफ्टवेयर की मेंटेनेंस करना, ये भी आती है। अब उस बंदे ने कंप्यूटर में बहुत सारे काम किए। हम मिसाल लेते हैं कि वो बंदा जो है एक दुकान पे लग गया और उसने वहाँ पे लेटर, सीवी, एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंटेशन बनाना सीख लिए और वो उसका माहिर हो गया। जैसे आप देखते हैं चौराहे पे काफी सारी दुकानें हैं, काम तो उसको आ गया, लेकिन उसने कोई कोर्स ही नहीं किया, उसने कुछ पढ़ा ही नहीं, ना उसने इंटर भी नहीं पढ़ा और इंटर के आगे कुछ तालीम ही नहीं ली। अब ये शख्स कल को किसी जगह पे जॉब पर अप्लाई करता है, नेशनल या इंटरनेशनल मार्केट कहीं भी, तो वो कहीं भी अप्लाई नहीं कर सकता। हुनर बादशाह जरूर है, लेकिन हुनर आपको जल्दी जल्दी पैसे कमाने में और अपना पेट भरने में हेल्प करता है, लेकिन हुनर आपको किसी मैनेजर पोजीशन पे ले जाने में हेल्प नहीं करता। हाँ, हुनर आपको इस चीज में हेल्प कर सकता है, आप अपनी फैक्ट्री खोल लें, अपनी दुकान खोल लें, अपनी वर्कशॉप खोल लें, अपनी शॉप खोल लें, अपना बिजनेस खोल लें, दूसरों को, पढ़े लिखे लोगों को वो अपॉइंट कर लें और वो फिर दूसरे लोगों से काम लें। ये अप्रोच तो काम कर सकती है, लेकिन अगर एक बंदे ने बस कंप्यूटर में थोड़ी सी एक्सपर्टीज ली डॉक्यूमेंटेशन वगैरह बनाने में, और इसके आगे उसने कोई डिग्री वगैरह या पढ़ा ही नहीं, ना उसने अपनी बेसिक एजुकेशन पढ़ी, ना ही उसने कंप्यूटर से रिलेटेड कोई एजुकेशन पढ़ी, तो वो कहीं भी जॉब लेने के लिए एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। माना जहां भी जाएगा बोलेगा डिग्री डिग्री नहीं है। काम तो बाद में देखेंगे ना, पहले आपका डिग्री देखेंगे। अच्छा, आप काम की नोयत क्या होती है? देखें, आपने अपनी दुकान खोली, अपना एक सर्विस सेंटर खोला और वहां पे लिख के दिखा दिया मैं ये काम करता हूँ। वहां पर आपसे कोई नहीं पूछ रहा कि आपकी डिग्री है या नहीं है। वहां पे लोगों को काम चाहिए। एक बंदा आएगा आपके पास, यार मुझे ये काम कराना है। आपने कहा मैं ये काम करने के 200 रुपए लूंगा, ये लीजिए, 500 रुपए लूंगा, ये लीजिए, 1000 रुपए लूंगा, ये लीजिए। लेकिन वेन यू गो फॉर जॉब, मतलब आप कहीं जा रहे हैं मल्टीनेशनल कंपनी में, दुबई जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं, पाकिस्तान के किसी गवर्नमेंट के दायरे में जा रहे हैं, वो आपको कहेंगे मियाँ ठहर जाओ, काम तो हमारे पास होता नहीं है, ये बताओ डिग्री है तुम्हारे पास? नहीं, हु कौन है? तो भाई हु कौन है तो वो हेलो, हु कौन है तो वो हेलो, क्योंकि हमारे पास काम तो है नहीं किसी के पास। जितने भी इदारे में आप देखें गवर्नमेंट जॉब जो कर रहे हैं लोग बाग, या जॉब्स जिनको मिल गई हैं, वो क्या काम करते हैं? नथिंग एट ऑल। उनकी एक वो बंदा जो पूरा दिन मिस्त्री वाला काम कर रहा है, 2000 रुपये कमाता है, और एक आदमी गवर्नमेंट जॉब कर रहा है जिसकी पूरी दिन की दिहाड़ी 1500-2000 है। दोनों को साथ खड़ा करेंगे सेहत में, गवर्नमेंट वाला आदमी आपको अच्छे कपड़े सूटेड बूटेड पहना हुआ नजर आएगा, मिस्त्री आदमी तो छकड़ा निकला हुआ होगा मेरी तरह उसका, समझ रहे हैं?
तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर ये थोड़ा सा फैक्टर आता है। अब मसला ये है कि अगर हम बेसिक एजुकेशन को लेके चलें और कंप्यूटर साइड पे देखें, तो हमें जैसे हम मैट्रिक कलर, अब तो मैट्रिक में भी कंप्यूटर की च्वाइस आ गई है, पहले मैट्रिक में नहीं थी, बायोलॉजी को हटा के कंप्यूटर का सब्जेक्ट ऐड किया गया, मतलब लॉलीपॉप दिया गया है, वो लॉलीपॉप किसी काम का नहीं है, लेकिन आप फिर भी अगर कर लेते हैं तो ठीक है। लेकिन अगर आप मैट्रिक साइंस में करते हैं, जर्नल साइंस में, और उसके बाद आप फर्स्ट ईयर इंटर में आते हैं और आपको चाहिए कि मैं कंप्यूटर की फील्ड में आगे जाऊंगा, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा और मैं इसकी मैनेजरिंग और आगे की फील्ड्स पे काम करूंगा, तो इंटर में आपको डिसीजन लेना है कि आपने इंजीनियरिंग साइड पे जाना है, कहां पे जाना है। अगर आपने मैट्रिक जनरल साइंस में किया है तो इंटर आपने करना है इंजीनियरिंग में, अगर आपने मैट्रिक कंप्यूटर साइंस में किया है तो फिर इंटर भी कंप्यूटर साइंस में करना है। ये आपका एजुकेशन करियर पाथ बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। और उसके बाद फिर आप जब जाएंगे ग्रेजुएशन, तो लाजमी करना है 4 साल का यूनिवर्सिटी से BSc सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में लाजमी करना है। तो ये आपका पूरा एक पैकेज बनेगा कि नाउ यू आर द कंप्यूटर प्रोफेशनल पर्सन, कि आपके पास एक प्रोफेशनल डिग्री आ जाएगी 4 साल की BSIT या CS या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की। फिर आप मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हाउसेज में जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अपना बिजनेस लॉन्च कर सकते हैं, अपना सेक्टर सॉफ्टवेयर हाउस खोल सकते हैं, कि आपके पास एक डिग्री भी आ गई, अब आपको हुनर सीखने के लिए जल्दी जल्दी हाथ पांव चलाने, जो कि आपको मैट्रिक से चलाना शुरू कर देना है, बल्कि 8 क्लास से 6 क्लास से शुरू कर देना है। बात समझ में आ रही है? अब आता है कंफ्लिक्ट। एक बंदे ने किया मैट्रिक साइंस में किया, उसके बाद वो इंटर में आया और उसने कहा मैं तो मेडिकल पढ़ूंगी, तो उसने मेडिकल किया, और मेडिकल करने के बाद वो गया किसी डॉक्टर वाले मामले में, तो वो हुआ नहीं, उसका BDS भी नहीं हुआ, PDS भी नहीं, CDS, उसने बोला भाई ये कहीं हुआ ही नहीं, अब क्या करूं। तो उसको घर वाले खानदान वाले फिर एहसास दिलाते हैं कि भाई ये भी एक चीज़ है, इसको भी सीख लो कंप्यूटर, क्योंकि इंटर तक तो उसको एक ही लॉलीपॉप दिया था, मेडिकल डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, जब नहीं बना तो अब क्या करें यार, कंप्यूटर सीख लो। तो वो कंप्यूटर सीखने जैसे आएगा वो क्या करें, अब वो ग्रेजुएशन नहीं कर सकता कंप्यूटर साइंस के अंदर, क्योंकि अगर ग्रेजुएशन करना है तो फिर से पढ़ो फर्स्ट ईयर इंटर इंजीनियरिंग साइड पे, फिर जाओगे तुम इस साइड पे। अब ऐसे लोगों के लिए फिर बात भी ये होता है कि वो कहते हैं यार मेरे को तो जाना है मेडिकल में, चलो मैं डॉक्टर नहीं बना, मैं नर्स बन जाती हूँ, नर्स बन जाता हूँ या बन जाती हूँ, या मैं मेडिकल की और पढ़ाई पढ़ लूंगी भाई, मैं कोई इसका डिप्लोमा कर लेती हूँ। तो ऐसे लोगों के लिए फिर मामला ये आता है कि वो अब आप जाके BSc मेडिकल में कर लें, बी फार्मेसी कर लें, MSc मेडिकल साइंस में मेडिकल में कर लें जो होती है, तो वो इस तरह के रूट पे चले जाते हैं। फिर वो लेक्चरर बनना चाहते हैं, नर्स बनना चाहते हैं, वो इस तरह का मामला कर रहे हैं, BS नर्सिंग कर लें। अब वो कंप्यूटर में कैसे आएगा? कंप्यूटर तो शुरू से टीचर ने पढ़ने नहीं दिया उसको, और मेडिकल वाले का कंप्यूटर में क्या जाए, उसको तो यही वाला लॉलीपॉप दिया हुआ था ना, वो बस इसी के खुश था, लेकिन अब बाद में पता चला कि ये तो सीन हो गया मेरे साथ, ये तो पहले करना था। ये उनके लिए फिर डिजाइन किए जाते हैं ऐसे कोर्सेज, क्लास हो रही है 5 मिनट बैठ जाए, ऐसे कोर्सेज उनके लिए डिजाइन किए जाते हैं जिसमें वो कंप्यूटर्स में बेसिक एजुकेशन तो नहीं ले पाए, अब वो डिप्लोमा कर लें, यानी कि 1 ईयर का अपने मेडिकल करियर में कंप्यूटर साइंस और IT को भी डाल दें कि मेरे पास ये भी किया हुआ है। बात समझ रहे हैं? कि वो ये डिप्लोमा भी डाल लें कि भाई मैं वैसे स्टूडेंट मेडिकल का हूँ, मैं वैसे स्टूडेंट कॉमर्स का हूँ, पर मैंने जो है ये डिप्लोमा भी किया हुआ है, मेरा ग्रेजुएशन BA में है, BCom में है, MCom, BSc में है, BSc मैथमेटिक्स में है, इंटर मैंने इंजीनियरिंग में किया, आगे नहीं पढ़ा, ग्रेजुएशन नहीं किया, इंटर मैंने मेडिकल में पढ़ा, आगे नहीं पढ़ा, मैट्रिक मैंने साइंस में किया कंप्यूटर में, लेकिन मैं आगे नहीं जा सका, तो मैंने ये डिप्लोमा की डिग्री अपने रिज्यूमे में एजुकेशनल करियर में डाल ली। अब डिप्लोमा 1-1.5 साल का क्यों होता है और ये BSIT 4 साल का क्यों होता है ग्रेजुएशन में? अब BSIT को तो ये तो पढ़ाते हैं भाई बहुत डिटेल में, खाली कंप्यूटर नहीं पढ़ाते, उसमें इस्लामियत भी पढ़ाएंगे, इंग्लिश भी पढ़ाएंगे, मैथ भी पढ़ाएंगे, फिजिक्स भी पढ़ाएंगे, और सब्जेक्ट भी पढ़ाएंगे, 2 साल वो 2 साल वो, और एक सिस्टम बना हुआ 4 साल का होता है पूरी दुनिया में। डिप्लोमा आपका 1-1.5 साल का बनाते हैं प्रैक्टिकल अप्रोच पे। किस पर? प्रैक्टिकल अप्रोच, समझ ना, प्रैक्टिकल अप्रोच क्या होती है? प्रैक्टिकल अप्रोच वो होती है जिसमें आपको ये बताया जाता है कि हाँ भाई कंप्यूटर के जो प्रैक्टिकल सॉफ्टवेयर हैं, जो अप टू डेट हैं, वो आप जल्दी जल्दी सीखें, ताकि आप जल्दी जल्दी स्किल्डफुल हो जाएं, और एक डिप्लोमा की डिग्री भी ले लें 1-2 साल के अंदर, ताकि कल को कोई अगर पोजिशन आती है, अब पोजिशन आएंगी इंट्री लेवल की, जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर, कंप्यूटर असिस्टेंट, IT असिस्टेंट, कंप्यूटर वेब डिजाइनर, वेब डेवलपर, ऐसी पोजीशंस आती हैं, तो अगर आपकी उनमें एक्सपर्टीज है, आपको काम आता है, स्किल आती है, माना वही आ गई, आपको काम बहुत अच्छा आता है, तो अपना एक डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिखा के गवर्नमेंट की तरफ से आप उस जॉब के लिए एप्लीकेबल हो सकते हैं। समझ में आई मेरी बात? इस तरह से लोग कर रहे होते हैं डिप्लोमा, और इस तरह डिप्लोमा किया जाता है। अब डिप्लोमा 1-1.5 साल का है भाई, वो भी कोई नहीं कर पा रहा। अब भाई एक बंदा है, वो तो कहता है यार मेरे को तो बस MS ऑफिस ही करना है, वो कहता है सारी दुनिया मेरी MS ऑफिस है, बस इस पर लेटर CV वगैरह बनाऊंगा और उसी पे काम करना है।
तो फिर शॉर्ट कोर्स आ जाता है उसके अंदर, जो डिप्लोमा का एक पेपर है जिसका नाम है ऑफिस ऑटोमेशन, जिसके अंदर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस सीखते हैं हम बस, और विंडोज सीखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है? ये डिप्लोमा का एक पेपर है, समझ रहे मेरी बात? अच्छा, एक बच्चा कहता है नहीं यार पूरा डिप्लोमा नहीं कर रहा, मेरे को तो जो है ना 6 महीने का सर्टिफिकेट चाहिए। उसके लिए कोर्स है एडवांस सीआईटी कोर्स, उसमें 10 महीने की ट्रेनिंग कराते हैं, एक एग्जाम होता है, 6 महीने का शॉर्ट कोर्स का सर्टिफिकेट मिल जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो उसमें क्या आता है, एक पेपर ये आ जाता है, दूसरा पेपर ये आ जाता है, और तीसरा पेपर हमने उसमें ऐड किया है ये दो तीन चीजें बस। ये हो गया आपका सीआईटी, जिसकी ट्रेनिंग 10 महीने की और सर्टिफिकेट 6 महीने का। लेकिन डिप्लोमा की अगर बात करें तो उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पेपर्स हैं और दो प्रोजेक्ट फाइल्स बनती हैं, यानी कि पूरा बेसिक टू एडवांस मटेरियल है। अगर इसको कोई बंदा करता है तो उसको 1 ईयर डिप्लोमा इन आईटी का सर्टिफिकेट मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, और वो इन सारी चीजों के एक्सपोजर से गुजर जाता है, और वो फिर ऑफिस से और सीआईटी से बड़ा सर्टिफिकेट कंसीडर किया जाता है, जैसे मैट्रिक से बड़ा, इंटर, इंटर से बड़ा, ग्रेजुएट, इस तरह से। तो ये कुछ मामलात होते हैं जिस वजह से हम डिप्लोमा करते हैं, और डिप्लोमा में एक बड़ा बेहतरीन किस्म का कोर्स डिजाइन किया गया है जिसमें आप बेसिक टू एडवांस कंप्यूटर आईटी में जो चीजें चल रही हैं वो सीखने के बाद आगे किसी चीज में स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हैं। कुछ बात समझ में आई मेरी, नहीं समझ में आई? तो डिप्लोमा में हम काफी चीजें पढ़ रहे होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें हम विंडोज पढ़ रहे होते हैं, ऑफिस ऑटोमेशन, लेटर, सीवी, एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, थीसिस के बारे में पढ़ते हैं, वेब डिजाइनिंग के बारे में पढ़ते हैं, एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट के बारे में पढ़ते हैं, समहाउ नेटवर्किंग के बारे में, प्रोग्रामिंग के बारे में, कंसेप्ट के बारे में, इसके अलावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करते हैं, और यहाँ पर हमने इसके बारे में देख ले होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, और कोर हार्डवेयर एंड मेंटेनेंस के बारे में पढ़ रहे होते हैं। तो टीचर को बोलना जो लड़की आएगी उसको भेज देंगे यहाँ पे, ठीक है? कोर हार्डवेयर और पीसी मेंटेनेंस के बारे में सीख रहे होते हैं प्रैक्टिकली, सेकंड सेमेस्टर में विंडोज बेस्ड प्रोग्रामिंग सीख रहे होते हैं, सॉफ्टवेयर के बारे में, जावा एप्लीकेशन एंड एप्लेट के बारे में सीख रहे होते हैं, ई कॉमर्स के कॉन्सेप्ट हैं, और नई चीजें हमने और भी डाल रखी हैं इसके अंदर, वीडियो एडिटिंग हो गई, फ्रीलांसिंग हो गई, ई कॉमर्स हो गया, उसके बारे में भी हम देख रहे होते हैं, ठीक है ना? तो ये सारी चीजें डिप्लोमा के इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हम सीख रहे होते हैं। इसलिए हम रिकमेंड करते हैं हर बच्चे को जो अपना करियर आईटी की साइड पर रखना चाह रहा है, वो यूनिवर्सिटी नहीं जा पा रहा, 4 साल का ग्रेजुएशन नहीं कर पा रहा, तो एटलीस्ट वो इस डिप्लोमा को जरूर कर ले, ताकि वो समझ जाए कि ये पूरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस में हो क्या रहा है। इसके बाद अगर वो कुछ समझता है कि मैं वेब डिजाइनर की तरफ आगे बढ़ जाऊं, मैं जो है ग्राफिक डिजाइनर बन जाऊं, या मैं नेटवर्किंग और उसकी तरफ चला जाऊं, तो वो ये चीजें बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकेगा और उसका एक पाथ भी उसको बन जाएगा, ठीक है? हाँ, उनको बोलना 10 मिनट ठहरे आ रहे, ठीक है? तो ये चीज इसके अंदर हो रही होती है। तो अब हम आ जाते हैं इसके ऊपर कि भाई ये तो हो गया ऑफिस, समझ में आ गया ना भाई? पूरा पूरा जो सिस्टम है वो डिप्लोमा है, डिप्लोमा से कम सीआईटी हो जाता है, सीआईटी से कम ऑफिस हो जाता है, ठीक है? अब आ जाते हैं कंप्यूटर्स की तरफ। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटिक मशीन है। तो ये कौन सी नई बात है भाई, ये बिजली भी चल रही है तो इलेक्ट्रॉनिक की मशीन है। हाँ, एक नई चीज है इसके अंदर ऑटोमेटिक, तो ऑटोमेटिक में कौन सी बड़ी बात है? हमारा ओवन भी ऑटोमेटिक है, हमारी वॉशिंग मशीन भी ऑटोमेटिक है, हमारा रेफ्रिजरेटर भी ऑटोमेटिक है, तो ये कौन सी नई चीज है? ये है बच्चों वाली डेफिनेशन। बच्चों वाली डेफिनेशन मतलब अभी आप सीख रहे हैं ना, तो बच्चों वाली मतलब कहीं भी पूछा व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटिक मशीन, ऐसा ही बेटा चल चल जाएगा, यानी कि 3, 4, 5 क्लास के बच्चों की, ठीक है? आ जाए विच कैन प्रोसेस डेटा ऑटोमेटिकली, ये डेटा को खुद से प्रोसेस करने की सलाहियत रखती है। हाँ, ये एक नई बात है। वॉशिंग मशीन डेटा को खुद से प्रोसेस नहीं कर सकता, रेफ्रिजरेटर भी नहीं कर सकता, गाड़ी भी नहीं कर सकती, मोटर भी नहीं कर सकती, इनको डेटा प्रोसेस करना ही नहीं आता। ये तो भाई पंखा, पंखे का काम है चलना, फ्रिज, फ्रिज का काम है कूलिंग करना, और वॉशिंग मशीन गोल गोल घूमता रहेगा, उसको क्या करना है? डेटा तो वहां प्रोसेस होगा जिस पर डेटा दिया जाएगा, डेटा तो हम देते ही नहीं उसको, सही है? तो ये वो चीज है जो इस मशीन को दुनिया की सारी मशीनों से क्या कर देती है, सेपरेट कर देती है, अपार्ट कर देती है। आगे चलते हैं, कंप्यूटर इज मल्टीपर्पज मशीन। हाँ, मल्टीपर्पज, ये है थोड़ी नई डेफिनेशन भाई, ये तो बच्चों वाली नहीं है ना। मल्टीपर्पज कैसे मल्टीपर्पज है? मल्टी वाले जो एक से ज्यादा पर्पज माने, क्या होता है मकासिद के इस्तेमाल होने वाले, मल्टीपर्पज कैसे भाई? देखो, वॉशिंग मशीन क्या कर रही है, कपड़े धो रही है, टीवी क्या कर रहा है, स्क्रीन दिखा रहा है, पंखा क्या कर रहा है, हवा दे रहा है, गाड़ी क्या कर रही है, बस चल रही है ना। कंप्यूटर क्या करता है पता है आपको? ये आपका नोटपैड भी है, ये आपका मैसेंजर का काम भी कर रहा है, मोबाइल भी है, कम्युनिकेशन भी, वीडियो भी, वीडियो एडिटिंग भी, इंटरटेनमेंट भी, इंटरटेनमेंट की कार्टून मेकिंग से लेके डिस्प्ले, पता नहीं 10-12 जो सॉफ्टवेयर आप इसमें डालेंगे ये वो करने लगे, नक्शे इसमें बन रहे हैं, सही है? नक्शे इसमें बन रहे हैं, 2D 3D कार्टून इसमें बन रहे हैं, फिल्में इसमें बन रही हैं, फिल्में हम देख इसमें रहे हैं, गाने इसमें कंपोज होते हैं, गाने देख इसमें रहे हैं, तो ये सारे काम कर रहा है। मेडिकल में कंप्यूटर यूज हो रहा है,
इंजीनियरिंग में कंप्यूटर यूज हो रहा है, कॉमर्स में कंप्यूटर यूज हो रहा है, हर जगह पे कंप्यूटर है, तो भाई ये है इस सदी का सबसे बड़ा करिश्मा और ये है मॉडर्न मशीन। इस जैसी मशीन की एग्जाम्पल इस सदी में तो नहीं है, कोई ऐसी और कोई मशीन है ही नहीं आपके लिए 24 घंटे कल ढूंढ के आ जाना, बता देना अगर कोई ऐसी मशीन हो तो मुझे बता देना। भाई कंप्यूटर ही है जो मल्टीपर्पज मशीन है और ये मल्टीटास्किंग भी है, मल्टीपर्पज मल्टीटास्किंग काम कर सकती है। एक ही कंप्यूटर चार काम एक वक्त में कर सकता है, पूरा मैनेजमेंट कर सकता है। कंप्यूटर हैज बीन कवर्ड ऑल फील्ड, अब ये सेंटेंस बहुत बड़ा है, कंप्यूटर ने तमाम फील्ड्स के ऊपर क्या कर लिया है, कब्जा कर लिया, सारी फील्ड्स के ऊपर कब्जा कर लिया। अभी फील्ड्स कौन कौन सी थी हमारे पास, अच्छा ये एक बेकार सी डेफिनेशन है, गूगल पे लिखी हुई थी, कभी बच्चे ने पूछा तो मैंने ऐड कर दी, सी फॉर कॉमन यू फॉर ऑपरेंड, ये मतलब कोई लेजिट नहीं है, गूगल पे ऐसी लिखी हुई थी तो मैंने ऐड कर दी। कभी आपसे भी कोई ऐसा बेवकूफ़ी का सवाल कर ले तो उसको बेवकूफ़ी वाला जवाब दे देना आप उस तरीके से याद करके, सी से क्या होता है, एम से क्या होता है। वैसे वर्ड कंप्यूटर निकला है इंग्लिश के वर्ड कंप्यूट से, जिसके मायने हैं हिसाब किताब करना, हिसाब किताब करना, कंप्यूटर हिसाब किताब करने वाला, इसकी मीनिंग तो यही है। ठीक है तो यहाँ पर आ जाए, तो अब आते हैं कि फोर पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, चार पार्ट्स होते हैं भाई, एक होता है सीपीयू, एक होता है एलसीडी, एक होता है कीबोर्ड, एक माउस। भाई ये एलसीडी हो गई, बराबर में सीपीयू रखा हुआ है, ये कीबोर्ड रखे हुए हैं, माउस रखे हुए हैं, यही चार पार्ट्स हैं कंप्यूटर के अंदर। तो चलते हैं अब आते हैं कि इसने सारी फील्ड्स को कवर कर लिया, किस तरह से कवर कर लिया। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एजुकेशन, मेडिकल, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एंटरटेनमेंट, कम्युनिकेशन, मीडिया एंड रिसर्च, ये सारी फील्ड्स कंप्यूटर ने क्या कर लिए, कवर कर लिए। कैसे कवर कर लिए, अब समझ लें इसको चीज को। देखिए भाई एजुकेशन से रिलेटेड जितना भी मटेरियल है वो सारा कंप्यूटराइज है, तो इसलिए एजुकेशन डिपार्टमेंट में हर जगह आपको कंप्यूटर मिलते हैं और कंप्यूटर के बगैर एजुकेशन डिपार्टमेंट खत्म हो गया। कंप्यूटर खुद एक हुनर भी है और एजुकेशन भी है इस तरीके से। मेडिकल साइंस में अभी तो हम थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर कल मैं इसको और थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, तो अभी इसको एंड करना है यहाँ पे। मेडिकल में चले जाएं, भाई मेडिकल में अगर आपको थोड़ा इस तरह का डॉक्टर बनना है, बस वहाँ गले में दर्द है, कान में दर्द है, उसमें दर्द है, वो हो गया ठीक है। अब आ जाएं सोनोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट जो ब्रेन और इन सारी चीज़ों का इलाज करते हैं, तो उनके पास वो मशीन है, वो मशीनें क्या है, वो कंप्यूटर है, उसके अंदर ह्यूमन को डालते हैं, वो पूरा दिखते हैं, उसी में से वो देख देख के आइडियाज करता रहता है, जिसकी वो रीडिंग लेके आपको रिपोर्ट बना देता है। ठीक है आ जाए बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर, आपका पूरा बैंकिंग सिस्टम ऑनलाइन हो रही है, ट्रांजेक्शन हो रहा है, ई कॉमर्स हो रहा है, कंप्यूटर के जरिए हो रहा है। कंप्यूटर हटा दें तो बैंक आपका वही 150 साल वाला बैंक हो जाएगा, घर पे खड़े रहेंगे, दो घंटे बिल जमा कर ले, पैसे भेजने तो बोले चार दिन में जाएंगे, आठ दिन में जाएंगे, अब तो यहाँ से बटन दबाएंगे अमरीका पैसे जाएंगे, अमरीका से दो सेकंड में यहाँ पैसे आएंगे, सारा कंप्यूटर से हो रहा है आपका काम। सही है इंटरटेनमेंट, फिल्में बन रही है, गाने बन रहे हैं, वीडियोस बन रही है, सॉन्ग्स बन रहे हैं, कार्टून्स बन रहे हैं, यूट्यूब चल रहा है, सारा ये सारा सिस्टम किससे हो रहा है, कंप्यूटर से। आप सोच रहे हो मोबाइल से हो रहा है, अरे मोबाइल कुछ भी नहीं है, मोबाइल को कंप्यूटर ने बनाया है, क्या कर दिया, थोड़ा साइज छोटा कर दिया। क्या होता था, देखिए दो तरह के काम होते हैं, मिसाल के तौर पर अभी मैं तो पढ़ा रहा हूँ बैठ के, अब हमें गेस्ट आते हैं बाहर से, इंक्वायरीज आती हैं, उनको मैं अटेंड करता हूँ, मेरा काम ज़्यादा हो गया, एक लड़का उठा के बाहर खड़ा रख दिया हमने, क्या फीमेल रख दिए, जो आए उनको आप बिठाएं, रिजल्ट बताएं और भेज दें उनको। क्या वो फीमेल पढ़ाएगी, नहीं। क्या वो उनको सिखाएगी, नहीं। उसका काम क्या है, गेस्ट आ रहे हैं उनको रिसीव करेगी, बिठाएगी, इन्फॉर्मेशन देगी, एडमिशन होगा कर लेगी, नहीं करना होगा वापस भेज देगी। तो यही काम कर रहा है ना आपका मोबाइल, डेटा आ रहा है आगे सेंड कर दो, जहां से आया आगे भेज दो, अपने पास रख लो। यानी कि पहले हमें वो सारा काम कंप्यूटर पे करना पड़ता था, कंप्यूटर तो खोल के बैठना पड़ता था, मोबाइल को जेब में डाल के घूमते रहे, और बैटरी का भी मशाला नहीं है उसके अंदर, कंप्यूटर में बैटरी ज्यादा चाहिए होती है। तो इसलिए इंटरटेनमेंट की सारी फील्ड जो है आपकी किस पे जा रही है, कंप्यूटर से हो रही है। आ जाए कम्युनिकेशन एंड मीडिया, ये आपका एप्पल आईफोन चल रहा है, एंड्रॉइड चल रहा है, इसके अंदर जितने सॉफ्टवेयर बन रहे हैं, एंड्रॉइड, एप्पल आईओएस, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, विंडोज में चलने वाली सारी ऐप, एप्पल में चल, वो सारी किस पर डिजाइन होती है, कंप्यूटर पे, कंप्यूटर से बनते हैं तो मार्केट में बिकते हैं और आप चलाते हैं। दूसरा मार्केट को भी कैप्चर करना था ना, कंप्यूटर तो वो लोग खरीदते थे पहले, मैं आपको सही बता रहा हूँ, जिनको कंप्यूटर आता था, जिनको आता नहीं था वो कंप्यूटर का क्या करते थे, गेम खेलते थे, फिल्में देखते थे, खराब हो जाता था फिर बनवाने लाते थे, मोबाइल ने ये मसला हल कर दिया ना, गेम है फिल्में उस पर वैसे ही देख लो, खराब हुआ ही नहीं, 40-50 हज़ार के आते हैं, कंप्यूटर सस्ता आता था, 15,000-20,000 का यूज मिल जाता था, मोबाइल यूज में 25-50 हज़ार रुपये का। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? तो ये सारी बातें कम्युनिकेशन की, आपका टावर पूरे फैन वगैरह चल रहे हैं, फोन आ रही है जा रही है, वीडियो कॉल हो रही है, सारा बैकग्राउंड में ये वाला बाबा काम कर रहा है और आपको पता ही नहीं था। ठीक है ना, क्यों नहीं पता था, जो तुम्हारे टीचर ने तुम्हें बताया ही नहीं, उसको भी नहीं पता था, वो तो इस काम में था कि भाई मेडिकल में लगा दूंगा मैं इसको, कॉमर्स में लगा दूंगा। तो ये सारा मामला चल रहा होता है पीछे के अंदर ना। ठीक है तो आगे चलते हैं रिसर्च। अभी रिसर्च क्या हो रही थी, रिसर्च कहाँ हो रही है, रिसर्च कहाँ हो रही है भाई, भाई ये मौसम का हाल जो तुम्हें बताया जा रहा है, जलजले जो आ रहे हैं, समंदर की गहराई, समंदर के अंदर कितना पानी है, कहाँ पे कितना पानी है, तूफान कब आएगा, जलजला कब आएगा, इसकी रीडिंग क्या है, कौन नोट करता है, इंसान करते हैं क्या बैठ के,
कंप्यूटर से लगे हुए हैं सारे के सारे भाई, ये सैटेलाइट सारी कंप्यूटर से कनेक्ट होती हैं और सारी सैटेलाइट का डेटा इन पे ही एनालाइज होके आपको आ रहा होता है। और आखिरी इदारा जो मैंने इसमें नहीं लिखा है उसका नाम है डिफेंस, यानी के फौज। सब मेरीन में क्या लगा हुआ है? कंप्यूटर। एटम बम कहाँ से है, कहाँ से कंट्रोल हो रहा है? कंप्यूटर से, देख रहे हैं? तो ये सारे मामला कंप्यूटर से ही डील हो रहे हैं। बताने का मकसद ये है कि इतनी वास्ट फील्ड है, इतनी वास्ट फील्ड है कि आप किसी भी एक फील्ड में थोड़े से एक्सपर्ट हो जाएंगे, जिंदगी लग जाएगी और आपका काम उसमें हो जाएगा। अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज हैं, पर उस स्केल पे लाके आपको खड़ा करना होगा अपने आप को। जब आप उस लेवल पे खड़े होंगे तो आपको अपॉर्चुनिटीज है, अपॉर्चुनिटीज है इसके अंदर। बाकी वर्ड एक्सेल चलाना कोई एक्सपर्टीज का काम नहीं है। कोई बंदा वर्ड एक्सेल चला रहा है, ये सबको आना चाहिए। मतलब अगर हम कहें कि इस बच्चे को तो यार ए टू जेड आती है भाई, ए बी सी, तो ये बहुत बड़ी बात है। या हम ये कहें कि यार इस बच्ची को तो जो है ना ग्रामर आती है, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो ये बहुत बड़ी बात है क्या? ये तो सबको आना चाहिए यार। आजकल अगर इंग्लिश नहीं आ रही है तो तुम क्या करोगे आगे जाके? सारा सिलेबस इंग्लिश में, सिंधी उर्दू का तो काम हो गया, वो तो रह गए लॉलीपॉप हमें दिए हैं कि बाबा ये उर्दू हमारी कौन सी जबान है, तो भूल भी गया, नेशनल जबान है, और सिंधी हमारी रीजनल लैंग्वेज है। इस पर फड्डा खत्म नहीं हो रहा, काम सारा इंग्लिश में हो रहा है। लोग इसमें उलझे हैं, काम सारा इंग्लिश में हो रहा है, सिलेबस सारा इंग्लिश में। तुम जाके पढ़ो तो सही, जितने टेस्ट तुम्हें देने सारे इंग्लिश में, इंटरनेशनल टेस्ट दोगे सारे इंग्लिश में, और इंग्लिश हमें आ रही नहीं है, जबकि नर्सरी से लेके मैट्रिक तक पढ़ना इंग्लिश। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। देखें, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट ये सबको आना चाहिए। मतलब आप छठी क्लास से बच्चे को डालें, सातवीं आठवीं तक ट्रेंड हो जाएगा, बहुत अच्छा है, आगे बहुत चीजें करने के लिए। ये डिप्लोमा करके भी आप कोई 30 मार खान नहीं बनेंगे, इसके बाद आपको समझ में आएगा मुझे इस फील्ड में करना क्या है। ये ई कॉमर्स हो गया, ये ऑनलाइन हो गई, ट्रेडिंग हो गई, भाई ये करने के लिए आप, ये ऐसी फील्ड है जब तक आप अपने आप को एजुकेट नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो अभी हम इस पे करते हैं और आपको छोटा सा एक असाइनमेंट भी देते हैं बनाने के लिए।